हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बूस्ट टेक्निकल स्किल में। और कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में, और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो आइए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेडिंग है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण तीन आधार पर किया गया है, यानी कि पहला है आपका बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि कार्य के आधार पर आपके कंप्यूटर का वर्गीकरण। दूसरा है बेसिस ऑफ साइज, यानी कि आकार के हिसाब से आपका कंप्यूटर का वर्गीकरण। तीसरा है आपका बेसिस ऑफ पर्पस, यानी कि पर्पस के आधार पर आपका कंप्यूटर का वर्गीकरण। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिर्फ और सिर्फ बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर आपके कंप्यूटर को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि कार्य के आधार पर आपके कंप्यूटर का वर्गीकरण बोल रहा है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि कार्य के आधार पर आपके कंप्यूटर को तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है आपका डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। आइए वन बाय वन तीनों को हम लोग देख लेते हैं। पहला है आपका एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है ये एक प्रकार का कंप्यूटर है, बोल रहा है, डेट यूजेज द कंटिन्यूसली चेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल फिनोमिनन सच एज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रॉब्लम्स बींग्स सॉल्व। यानी कि जो आपका आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है ये भौतिक घटनाओं को मापने में इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल फील्ड मैकेनिकल फील्ड की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें सॉल्व करने में इसका यूज़ किया जाता है। बोल रहा है एनालॉग कंप्यूटर प्रोड्यूसेस अप्रॉक्स रिजल्ट, यानी कि जो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है वो कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट आपको नहीं देता है, ये कभी भी आपको अप्रॉक्स रिजल्ट आपको देता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, एग्जांपल में आपका थर्मामीटर, आपका स्पीडोमीटर, आपका मल्टीमीटर एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे इसके एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। इसका यूज़ और कहाँ कहाँ किया जा सकता है, जैसे टेम्परेचर मापने में, प्रेशर मापने में, गति को मापने में यानी कि स्पीड को मापने में, रेसिस्टेंस को मापने में, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स को मापने में यानी कि सिग्नल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को मापने में, वोल्टेज को मापने में, ऐसे ऐसे जगहों पर एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। आइए इसको हम लोग आगे एक एग्जांपल में समझ लेते हैं। जो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है वो कंटिन्यूसली एक वेव में चलता है और आपके रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आपका जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो एक कंटिन्यूसली वेव पर चलता है और आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। आइए इसे एक एग्जांपल में हम लोग समझ लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम लोग एग्जांपल में ले लेते हैं एक स्पीडोमीटर को। स्पीडोमीटर आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आपकी गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा होता है तो जब जैसे जैसे आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपकी गाड़ी में जो स्पीडोमीटर में जो सुई है वो बढ़ती रहती है। यानी कि जैसे जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो स्पीडोमीटर होता है उसमें लगी हुई सुई जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है और आपको रिज़ल्ट रिप्रेजेंट करती है। यानी कि आपके स्पीडोमीटर में जो नंबर टाइप रहते हैं, यानी कि जो डिजिट्स लिखे रहते हैं, जैसे 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 50 की स्पीड, 60 की स्पीड, जैसे जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे आपकी जो स्पीडोमीटर की सुई होती है वो भी कंटिन्यू चलती है और जिस डिजिट पर जा कर के रुकती है तो आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है। यानी कि वो भी वहाँ पर कंटिन्यूसली ही चलती रहती है और उस डिजिट पर आपको रिप्रेजेंट के तौर पर रिजल्ट देती है कि आपकी गाड़ी की स्पीड इतनी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपका जो एनालॉग कंप्यूटर है उसमें उसके जो एग्जांपल्स हैं वो आप समझ ही गए होंगे।
इसको अगर और डिटेल में समझना है तो आइए हम एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। इस बार हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं थर्मामीटर का। देखिए थर्मामीटर में, थर्मामीटर किस चीज़ को मापने में यूज़ किया जाता है, तो टेम्परेचर को मापने में इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए इस थर्मामीटर में जो पारा होता है, जो पारा रहता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे पारा भी ऊपर की तरफ बढ़ता है। और पारा जो भी आपका थर्मामीटर होता है उसमें, उसके साइड में जो डिजिट्स लिखे रहते हैं वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जहाँ पर जाकर के आपका पारा रुकता है वो उसके साइड में जो डिजिट्स लिखे रहते हैं वो उस रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं कि टेम्परेचर इतना है। ऐसे ऐसे जगहों पर एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, जैसे टेम्परेचर मापने में, प्रेशर मापने में, वोल्टेज मापने में, रेसिस्टेंस मापने में, सिग्नल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मापने में, ऐसे बहुत सारे जगह पर हम लोग एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है और कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका डिजिटल कंप्यूटर। बोल द डिफिनीशन ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है मोस्ट कॉमनली यूज, यानी कि ये भी आपका एक तरीके से क्या है, एक टाइप ऑफ कंप्यूटर है, ये भी एक आपके कंप्यूटर का प्रकार है जो ज़्यादातर यूज़ होता है। बोल रहा है कि एंड इज़ यूज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विथ यूजिंग डिजिट्स, बोल रहा है लेकिन जो आपका कंप्यूटर, जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है इसमें जो भी इंफॉर्मेशंस होती है उसको प्रोसेस करने के लिए डिजिट्स की ज़रूरत पड़ती है। बोल रहा है यूजुअली यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कि जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए वो बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। आपका डेस्कटॉप हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल हो गया, आपका कैलकुलेटर हो गया, ये सारे एक्सेट्रा, आप ये सारे के सारे आपके क्या हैं, डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल। आपका कैलकुलेटर हो, आपका डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं, डिजिटल कंप्यूटर के। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। बोल रहा है एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। बोल रहा है जो आपका कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम है एक कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि ये एनालॉग और डिजिटल दोनों का कम्बिनेशन होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। एग्जाम्पल में इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन, जो आप लोगों ने हॉस्पिटल में देखी होगी। देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है कि इसमें एनालॉग कंप्यूटर की भी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं और डिजिटल कंप्यूटर की सारी फैसिलिटीज़ होती है, यानी कि जितना काम आपका, जो काम आपका एनालॉग कंप्यूटर करता था और जो काम आपका डिजिटल कंप्यूटर करता था, उन दोनों की खूबियाँ आपको हाइब्रिड कंप्यूटर में मिल जाएगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन मिल जाएगी। बेस्ट एग्जाम्पल है जो आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल में, कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसके बगल में ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन लगी रहती है, जो एक बगल आपको एनालॉग कंप्यूटर को, कंप्यूटर का यूज़ इसमें किया गया है और आपको डिजिटल कंप्यूटर का भी, यानी कि एक तरीके से इसमें देखिए जो पेशेंट होता है इस मशीन में वो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी जो हार्ट बीट चलती है, तो इस कंप्यूटर यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में उसकी हार्ट बीट को भी मेंशन किया जाता है और साथ ही साथ बगल में ये जो डिजिट्स हैं उनको भी, यानी कि ये जो मशीन होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन, इसमें एनालॉग कंप्यूटर की भी खूबी है और डिजिटल कंप्यूटर की भी खूबी है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है आपको हाइब्रिड कंप्यूटर के, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, आपका अल्ट्रासाउंड मशीन है, सीटी स्कैन मशीन है, फ्यूल डिस्पेंसर है, सीएनजी डिस्पेंसर है। इसको एक और एग्जांपल हाइब्रिड में हम लोग देख लेते हैं कि फ्यूल डिस्पेंसर, जब आप पेट्रोल पंप में जाते हैं पेट्रोल डलवाने या डीजल डलवाने, तो वो जो मशीन वहाँ पर पेट्रोल या डीजल देने वाली जो मशीन होती है वो भी आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। उस मशीन में क्या होता है कि जब आप कोई भी, कितने भी लीटर अगर आप पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं तो वो मशीन क्या करती है, एक साइड से पेट्रोल या डीजल की क्वांटिटी को क्या करती है, मेज़र करती है,
और दूसरे बगल आपको वो क्या करती है, डिजिट के तौर पर दिखाती है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं जो आपका फ्यूल डिस्पेंसर मशीन जो होती है वो भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले समय में मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।